गजाननम्बूतेगडादिसेवितम् कपेत्तेऽम्बूफलचारुवक्षिणम् उमा उमासुतं शोकविनाशिकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरिपादिपङ्गजम् गुरोर्यब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरोर्यदेवो महेश्वरः गुरुर् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः नारायणं नमस्कृत्यं नरं नरञ्चेव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे सविद्वारनिकूछोरिकर आयोतिरिद्वार श्रीवृषिवान् ओर जरमेरियोरिनिहार कथा प्रारम्भयो होते सुनहु वीरे हनुमान् राम लखन सिय जान की सदा करो कल्याण बुलिंद्रावन यारी लाल की जय हरिवंश महापुराण की जय श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषि बरो ऋषि राजा जनवे से कहते हैं कि ही राजन महाराज मनु की तीन कन्याएं थी आकुति देवूति प्रसूति जिसमें देवूति का चित्र आपने सुना जिनसे ने भगवान की उत्पत्ति थी मनु ने आकृति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ में पुत्र का धर्म के अनुसार कर दिया उस शर्त पर किया कि तुम्हारे जो भी बेटा होगा उसे मैं गैन करूंगा रुचि से आकृति को यज्ञ यज्ञ और दक्षिणा नामक युगल संतान हुई जो यज्ञ जैस को यज्ञ कराते हैं उनकी पत्नी का नाम दक्षिणा है यज्ञ और दक्षिणा है ये लक्ष्मी नारायण के अंश थे यज्ञ ने मनु को ले लिया कन्या दक्षिणा को प्रजापति रुचि ने ग्रहण किया इस तरह से यज्ञ से दक्षिणा पत्नी से बारह पुत्र हुए सबसे बड़ा था सबसे छोटा रोचन ये सब मनवंतर के तुश नामक देवता हुए मनु ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ कर दिया जिसका वंश संसार में फैल गया देवमुति की नौ कन्याओं का विवाह मरीच आदेशियों के साथ में हुआ उनके वंश का भी वर्णन सुनो ब्रह्मा जी के पुत्र मरिची की कन्या पत्नी कला ने कश्यप पूर्णिमा नामक दो पुत्रों को जन्म दिया कश्यप के वंश का छठे स्कंद में वर्णन किया जाएगा पूर्णिमा के विरज और विश्वक नामक दो पुत्र हुए देवकुल्या नाम की कन्या हुई यही देवकुल्या अगले जन्म में भगवान के चैन धोने से गंगा जी बनी द्वितीय पुत्र अत्रि की पत्नी अनुसुईया ने तीन पुत्र उत्पन्न किए जो सोम दत् दुर्वासा ये तीनों थे चंद्रमा दत्ते दुर्वासा ये ब्रह्मा विष्णु महेश के अंश थे जिनकी कथा आगे आएगी सती अनुसुईया की कथा है ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश के अंश थे इस पर राजा ने पूछा कि हे भगवान आपने कहा कि तीनों देवताओं ने ब्रह्मा विष्णु महेश ने के घर में अत्री के घर में जन्म लिया ये कैसे हुआ कहते राजन ब्रह्मा जी ने अत्री से जब सृष्टि करने को कहा तब तो अत्रि ऋषि ऋक्ष पर्वत पर तपस्या करने चले गए वह उन्होंने एक पैसे खड़े होकर केवल वायु पीकर सौ वर्षों तक कठोर तपस्या करी उनका संकल्प था कि संसार का जो मालिक है संसार का अधीश्वर है जो एक है परम ब्रह्म है जो संसार की सकुल व्यवस्था करता है मैं उसी को प्राप्त करना चाहता हूं मुझे उसी की प्राप्ति हो उसी की शरण में हूं वो मुझे अपने समान पुत्र उत्पन्न करे मेरी शादी हो उसके बाद में मेरी संतान हो तो संतान संसार के अधीश्वर की समान हो या एवं जगनेश्वर प्रजात्म समेम चिंतम अत्रि ऋषि की तपस्या इतनी प्रबल हो गई कि संपूर्ण ब्रह्मांड उनकी तपस्या से जलने लगा तब तीनों देवता मुनि के सामने प्रकट हुए उनके प्रकट तेज से मुनि ने आंखें बंद कर दी अत्रि मुनि ने हाथ जोड़कर कहा भगवान अगर आप क्रोधित ना हो तो एक प्रश्न करना चाहता हूं तीनों देवताओं ने कहा करो तवत्र तो मुनि ने कहा कि मैंने केवल एक को बुलाया था अपने कार्य के लिए आप तीनों पधारे तब तो तीनों देवताओं ने मुस्कुराते हुए कहा मुनिवार जिस एक तत्व का तुम ध्यान करते हो वो एक तत्व हम तीनों ही हम में भेद नहीं है इसलिए हम तीनों ही पुत्र होकर के तुम्हारे यश का विस्तार करेंगे तुम्हारा संसार में नाम करेंगे इतना कहकर के तीनों देवता अंतर्ध्यान हो गए अब आगे जो चल रही थी लीला अब जो आगे की लीला में क्या हुआ प्रभु ने लीला करी कुछ समय व्यतीत हुआ अनसुईया का और अत्रि ऋषि का विवाह हो गया अब अवतार का समय आ रहा था भगवान ने उस संयोग को प्रेषित किया संयोग को इस प्रकार से बनाया ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता तीनों भगवान जो है एक दिन अदृश्य हो गए उन्हें लीला करनी थी नारद जी अपनी बीड़ा की ध्वनि नारायण नारायण का जाप करते हुए संसार में भ्रमण कर रहे हैं इधर माता लक्ष्मी को सरस्वती जी को और पार्वती जी को अपने पतिव्रता धर्म का बड़ा ही अभिमान हो गया भगवान ने अभिमान उत्पन्न किया तीनों देवियां अपने आप को श्रेष्ठ पतिव्रता मानती थी कि उनसे बढ़कर के संसार में कोई भी पतिव्रता स्त्री नहीं है पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ी पतिव्रता तीनों को अपना अपना अभिमान था एक बार तो तीनों में बहसबाजी भी हो गई कि हम पतिव्रता हमें मैं ज्यादा श्रेष्ठ हूं मैं ज्यादा श्रेष्ठ हूं एक दिन नारद जी बीड़ा बजाती हुए सबसे पहले ब्रह्मलोक में गए आज माता सरस्वती बहती हुई अपनी बीड़ा की तार संगीत की धुनी बजा रही हैं। नारद जी ने जाकर के प्रणाम किया हे मां आज पिताजी कहाँ गए माता सरस्वती कहती हैं पुत्र तुम्हारे पिताजी किसी वक्त को दर्शन देने गए होंगे तुम सुनाओ कहां से आ रहे हो नारद जी ने कहा कि मैं संसार का भ्रमण करके आ रहा हूं आज मैंने माता अनुसुईया के दर्शन किए महान पतिव्रता देवी अनुसुईया के माता सरस्वती बोली कि नारद क्या मुझसे भी बढ़कर क्यों पतिव्रता है नारद जी ने कहा मां ये तो मैं कह नहीं सकता पर उनसे बढ़कर के संसार में कोई नहीं है आप उनकी परीक्षा क्यों तो नहीं ले लेते इतना कह करके नारद जी वहां से चलते बने अब नारद जी ब्रह्म लोक से सीधे नारायण की ध्वनि बजाते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंचे भगवान शंकर भी लीला में सम्मिलित थे भगवान भोलेनाथ भी अंतर्ध्यान हो गए माता पार्वती विराजमान थी नारद जी ने जाकर के माता के चरणों में प्रणाम किया माता पार्वती से मा बोले नाथ कहा मां आज भोलेनाथ कहां गए हैं माता पार्वती बोली किसी भक्त को वरदान देने के लिए रहे हैं कोई ना कोई भक्त उनकी आराधना करता ही रहता है किसी की तपस्या पूरी हो गई हो गई होगी तुम कहां से आ रहे नारद माता मैं देवी अनुसुईया के आश्रम से आ रहा हूं ऐसी मान पतिव्रता मैंने संसार में नहीं देखी माता पार्वती को क्रोराया क्या मुझसे बढ़कर की वो पतिव्रता है नारद जिनका मां ये तो मैं कह नहीं सकता आप खुद ही जा करके देख लो खुद ही परीक्षा क्यों नहीं ले लेते नारायण जी बोले यहां भी काम और चलते हैं भी हो गया सीधे बैकुंठ लोग माता लक्ष्मी विराजमान है पार्षद सेवा कर रहे हैं जाके नारद जी ने नारायण नारायण की ध्वनि करी माता लक्ष्मी ने स्वागत किया नारद जी ने प्रणाम करा कहा कि आज नारायण किधर गए हैं माता लक्ष्मी ने किसी वक्त की रक्षा के लिए गए हैं उनके तो बहुत सारे वक्त हैं कोई भोग लगा रहा है कोई उनको बुला रहा है किसी के साथ में वार्तालाप कर रहे हैं प्रभु तो लीला करते ही रहते हैं देव तुम्हारा कहाँ से आगमन हो रहा है नारद जी ने कहा मां आज मृत लोक से आ रहा हूं आज मैंने लोक में देवी अनुसुईया की दर्शन करे ऐसी मान प्रतिब्रता मैंने कहीं नहीं देखी लक्ष्मी जी को बड़ा क्रोध आया क्या मुझसे बढ़कर की पतिव्रता है नारद जी ने कहा मां वो संसार में नंबर वन है उनके बराबर पतिव्रता संसार में कोई नहीं है आप खुद ही परीक्षा क्यों नहीं ले लेती इतना कहकर के नारद जी चलते बने तीनों देवियां लौट करके बैठी हैं, तीनों देवता प्रगत हुए तीनों देवियां रूठी हुई हैं, भगवान ने कहा देवी क्या बात है तीनों देवियां कह रही हैं आप तो कहते हो कि हम सबसे बड़ी पतिव्रता हैं, पर नारद तो हमसे बढ़कर के अनसुया को बता रहा है भगवान समझ गए कि उनकी लीला का जो रचना होनी थी समय था वो आ चुका है कहा देवी तुम क्या चाहती हो तीनों देवियों ने तीनों देवों से कहा कि आप जाकर कि उनकी परीक्षा क्यों नहीं ले लेते उनकी परीक्षा लें जिससे हमारा भी भ्रम दूर हो जाए हमें भी पता चले कि कौन पतिव्रता है आ तीनों देवता चल दिए अनसुया के आश्रम पर पहुंचे अत्रि जी के आश्रम पर पहुंचे तीनों देवता एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं, एक दूसरे को नमस्कार कर रहे हैं। तीनों देवताओं ने अपने अपने आने का कारण कहा सभी ने कहा हम सभी के घर में नारद ने अपनी नारद लीला करी है तीनों देवता ब्राह्मण का भेष बना के अलग निरंजन हर हर महादेव कहते हुए अत्रि जी के आश्रम पर पहुंचे अत्रि मुनि उस समय पर गंगा स्नान को गए हुए थे जाकर के प्रणाम किया माता अनसुईया तीनों ब्राह्मणों के लिए थालियों में बेट लेकर के आई भोजन की सामग्री लेकर के आई कहा के ब्राह्मण देवताओं ये विख्या गहन करो तीनों देवताओं ने कहा देवी हम ऐसे भिक्षा गहन नहीं करेंगे हम जैसे भिक्षा गहन करें आप हमें वचन दो कि उसी प्रकार से आप दोगी अन्य हम लौट जाएंगे माता अनुसुया ने वचन दिया कि तुम कैसे भिक्ख्या चाहते हो आप ब्राह्मण देवता लौटे नहीं मुझे बताएं मैं आपकी कैसे सेवा करूं तीनों देवताओं ने माता अनुसुईया से कहा कि देवी अगर आप भिक्षा देना चाहती हैं तो निर्वस्त होकर के हमको भिक्षा दो माता अनुसुईया ने जैसे ही वचन सुने कहने लगी ये ब्राह्मण नहीं हो सकती आंखें बंद करके देखा तो उन्होंने तीनों देवताओं के दर्शन किए कि तीनों देवता मेरी परीक्षा लेने आए हैं मेरे पतिव्रता की परीक्षा ले रहे हैं आज मेरे भाग्य जग गए जो माता अनुसुईया ने कहा कि आप चिंता ना करो आप तीनों बैठो मैं आपको आपके अनुसार विद्या देती हूं माता अनुसुईया ने अत्रि मुनि का जो कमंडल में जल था वो जल लिया और कहा कि मैं अगर अपने पति की सेवा करती हूं पति के अलावा मैंने किसी पर पुरुष को बुरी दृष्टि से नहीं देखा तीनों बच्चे तीनों देवता ती छोटे छोटे बच्चे के रूप में परिवर्तित हो जाए लेकर के जल जैसे छिड़का अब तीनों देवता छोटे छोटे बच्चे बन गए तीनों देवताओं ने रुदन शुरू कर दिया बालक बन के रो रहे माता अनुसुईया ने तीनों को दुग्ध पान कराया तीनों को अपनी गोदी में खिलाया उनको दुग्ध पान कराया और लेकर के ले जा करके उनको पालनों में डाल दिया अब अत्रि मुनि आए अत्रि मुनि ने बच्चों की रोने की आवाज सुनी अंदर गए देवी ये बच्चे किसके हैं अंसुजा ने कहा स्वामी ये आपके ही पुत्र हैं, मन मेरे पुत्र मैं अभी गंगा स्नान करने गया देवी तुम भी बड़ा कौटुक करती हो गंगा स्नान करके आया हूं ना तुम गर्भपति हो ना कुछ हो तीनों बच्ची उत्पन्न भी हो गई अत्रि मुनि ने आंखें बंद करी तीनों देवताओं को ध्यान लगा करके पहचान लिया कि जो वरदान दिया था उसे सफल करने के लिए आए आज तीनों देवता मेरे पुत्र बन गए अहो भाग्य तीनों देवताओं को नमस्कार किया फिर आज पुत्र रूप में बड़े प्रसन्न हुए प्राप्त करके कहा देवी तुम धन्य हो अब तो अनसुईया जी अत्रि मुनि बच्चों को खिलाते हैं निलाते हैं उनको भोजन खिलाते हैं दूध पिलाते हैं माता रंशीजा उनको पालने लगी। कई महीने व्यतीत हो गए कई महीने आप व्यतीत हो चुके हैं इधर तीनों देवियां बड़ी परेशान है कि तीनों देवता गए परीक्षा लेने आज तक वापस नहीं आए तीनों देवी एक दूसरे को ढूंढने लगी एक दूसरे के लोकों में ढूंढने लगी और तीनों कैलाश पर्वत पर एकत्र हो गई कह कहीं भोलेनाथ के भोले की पास तो नहीं गई माता पार्वती पहले सी उदास बैठी थी तीनों देवियों ने एक दूसरे को अपना दुखड़ा सुनाया तीनों कहने लगी ये सब नारद का किया हुआ है हमारे पति गए वापिस नहीं आए सामने से नारायण नारायण कहते हुए नारद जी आ गए नारद जी ने तीनों देवियों को प्रणाम किया तीनों देवियों ने कहा नारद तुम्हारी नारद लीला है अब ये बताओ हमारे पति परीक्षा के लिए गए थे अभी तक वापिस नहीं आए हमारे पति त्रिदेव कहा, कहा नारद जी ने कहा मां तीनों देवता मान पतिव्रता के चक्कर में पड़ चुके हैं ऐसे फंस चुके हैं जो सारे संसार को ब्रह्मांड को नचाते हैं वो भी मान पतिव्रता के चक्कर में पालने में पड़े पड़े म्याव म्याव करके छोटे बच्चे बनके रो रहे हैं उनको तो बच्चा बना लिया अब माता उन्हें जवान करेगी जवान करके उनकी शादी करेगी अतो वहां घर गृहस्थी बसाएंगे अब तीनों भूल जाओ माला लेकर के राम का नाम जपो तीनों देवियां बड़ी घबराई नारद जी के चरण नारद जी को मनाने लगी नारद जी चरणों में गिर गए मां मुझ पर क्रोधित मत होना क्योंकि तीनों देवियों को क्रोध भी आ रहा था कि नारद ये तुम्हारे कारण से हुआ है नारद ने कहा मां मुझे क्षमा करो पर इसमें मेरा कुछ नहीं है सब प्रभु की लीला है तीनों देवियों ने कहा कि नारद अब तुम ही बताओ कि हम क्या करें हमें करना क्या है नारद जी से तीनों देवियां कहती है नारद अभी तुम रास्ता बताओ नारद जी ने कहा मां उन मान पतिवृता सती के चरणों में जाकर के प्रणाम करो खेमा याचना करो वही तुम्हारे पतियों को लौटा सकती है तुम्हारी शक्ति यहाँ पर काम नहीं आएगी तीनों देवियां माता अनुसुईया की आश्रम पर पहुंची जाके कुंदी बजाई माता अनुसुईया ने आवाज लगाई कौन हो तीनों देवियां कहती हैं मां हम तुम्हारी पुत्र वधुएं हैं माता अनुसुईया कह रही है अभी मेरे बच्चे छोटे छोटे बहुए कहां से आ गई जाके कुंडी खोली तीनों देवियों को देखा माता अनसुईया का सौभाग्य जाग गया अंदर ले गई तीनों देवियां स्त्री मुनि के आश्रम में रह रही हैं माता अनुसुईया की सेवा करती हैं एक रात तीनों देवियां माता अनुसुईया के चरण दबा रही थी उनकी आंखों से आंसू गिरे माता अनुसुईया के पैरों में गिरे माता ने कहा कि देवियों तुम्हें कोई दुख है मेरे में तीनों देवियों ने कहा हमें अपने पति के रहा नहीं जाता हमारे पतियों को लौटा दो आपसे बढ़कर के मान प्रतिपिता संसार में नहीं है माता अनुसुईया ने पति के कमंडल का जल लिया और पति का ध्यान करके जैसे तीनों बच्चों पर छिड़का तीनों देवता अपने स्वरूप में प्रकट हो गए अत्री अनुसु ने तीनों देवी देवताओं की पूजा करी उनसे क्षमा याचना करी भगवान ने कहा मां तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो हमसे बरदान मांग लो अत्री जी ने कहा कि प्रभु जो आपने वरदान दिया था उसका समय पूर्ण होने को आ गया है अनसुईया मां कहती है कि नारायण हे त्रिदेव आप बरदान देना चाहते हो तो मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हो जाओ तीनों देवताओं ने तथा अपने अपने अंश से तीनों देवताओं ने फिर अवतार किया। ब्रह्मा विष्णु महेश के अंश से नारायण के प्रबल अंश से दत्राते भगवान का जन्म हुआ भगवान शंकर जी के अंश से दुर्वासा ऋषि और ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा प्रकट हुए इस प्रकार से पर ऋषि कहते हैं राजन आत्री और राज के द्वारा तीनों देवताओं ने अवतार ग्रहण किया ऐसी मान सती के चरणों में प्रणाम करते हैं सती अनसुईया का चित्र सुनने से सभी प्रकार से भक्तों का कल्याण हो जाता है हर प्रकार के कष्टों का नाश हो जाता है हर प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है ऐसी मान पतिव्रता के चरणों में प्रणाम करके इस कथा को पूर्ण भाव से श्रवण करना चाहिए इसलिए कहा गया है ना कि स्त्री चाहे तो कुछ भी कर सकती है पतिव्रता स्त्री यमराज से अपने पति के प्राण भी वापिस खींच करके ला सकती है पतिव्रता स्त्री के पति को यमराज भी छूने में डरता है पर स्त्री को चाहिए पति का कभी नाम ना ले कहते हैं कि स्त्री पति का नाम लेकर के जितनी बार पुकारती है उतनी श्वासें पति की कम होती चली जाती है मांग में सिंदूर पूरा भरे अपने पति के होते हुए पर पुरुष के बारे में चिंतन ना करे पति कोई सर्वोत्तम समझे पति के दुख सुख में साथ दे इसी प्रकार से पति को भी चाहिए कि इन क्रियाओं को निभाए पति पत्नी एक दूसरे की सुंदरता देख करके अंदर के गुणों को देखे एक दूसरे की सहयोग करें उस घर में स्वयं लक्ष्मी नारायण विराजमान हो जाते हैं उस घर में वंश की वृद्धि होती है उस घर में कभी दृद्यता प्रवेश नहीं कर सकती पितर भी प्रसन्न रहते हैं देवता भी प्रसन्न रहते हैं जब पति पत्नी धर्म पराणता के साथ में जीवन का निर्वाह करते हैं भक्तों आज की कथा का ये पर कहते हैं कथा सदा होती रहे सुनो वीर हनुमान राम लखन सी जान की सदा करो कल्याण पुलवर्ष महापुराण की जय वृंद्रावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्या